श्रीमद् भगवद् गीता षष्ठम अध्याय। पांचवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने यह बात पूछी थी कि सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दोनों में कर्म योग श्रेष्ठ है। अब दोनों कल्याण करने वाले कैसे हैं, इसका वर्णन भगवान ने पांचवें अध्याय के 26वें श्लोक तक किया। फिर सांख्य योग तथा कर्म योग के लिए उपयोगी और स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले ध्यान योग का संक्षेप से 2 श्लोकों में वर्णन किया तथा अंत में अपनी ही तरफ से भक्ति की निष्ठा बताकर 5वें अध्याय के विषय का उपसंहार किया। अब पुनः कर्म योग की श्रेष्ठता बताने के लिए भगवान 6 अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। पूर्व श्लोक में यह कहा गया कि जो सन्यासी है वही योगी है, पर इनका एकत्व किसमें है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। पूर्व श्लोक में जिस योग की प्रशंसा की गई है उस योग की प्राप्ति का उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योग में आरूढ़ मनुष्य का शम शांति परमात्म प्राप्ति में कारण कहा गया है। योग में आरूढ़ कौन होता है, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताते हुए यदा और तदा पद से योगारूढ़ होने में अर्थात अपना उद्धार करने में मनुष्य को स्वतंत्र बताया। अब आगे के श्लोक में भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा करते हैं। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है, अतः स्वयं अपना मित्र और शत्रु कैसे है, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। अर्थात पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध की व्याख्या आगे के श्लोक में करते हैं। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। अपने द्वारा अपनी विजय करने का परिणाम क्या होता है, इसका उत्तर आगे के 3 श्लोकों में देते हैं। जिसने अपने आप पर विजय कर ली है उस शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में संबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ
द्वेष और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। जो समता समबुद्धि कर्मयोग से प्राप्त होती है, वही समता ध्यान योग से भी प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले ध्यान योग के लिए प्रेरणा करते हैं। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। पूर्व श्लोक में भगवान ने ध्यान योग के लिए प्रेरणा की। ध्यान योग का साधन कैसे करें, इसके लिए अब आगे के 3 श्लोकों में ध्यान योग की उपयोगी बातें बताते हैं। शुद्ध भूमि पर, जिस पर क्रमशः कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करें। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्र भाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। यह नासिका के अग्र भाग को देखना मुख्य नहीं है, प्रत्युत मन को एकाग्र करना मुख्य है। बिछाने और बैठने के आसन की विधि बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बताते हैं। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित और ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है, उसको प्राप्त हो जाता है। अब आगे के 2 श्लोकों में ध्यान योग के लिए उपयोगी नियमों का क्रमशः व्यतिरेक और अन्वय रीति से वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल न सोने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथायोग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। पीछे के 2 श्लोकों में ध्यान योग के लिए अन्वय और व्यतिरेक रीति से खास नियम बता दिए। अब ऐसे नियमों का पालन करते हुए स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक की क्या स्थिति होती है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निःस्पृह हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। स्वरूप में स्थित हुए चित्त की क्या स्थिति होती है, इसको आगे के श्लोक में दीपक के दृष्टांत से स्पष्ट बताते हैं। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होती है, उस अवस्था का आगे के श्लोक में स्पष्ट वर्णन करते हैं। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है,
पूर्व श्लोक में कहा गया कि ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में ही संतोष का अनुभव करता है। अब उसके बाद क्या होता है इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। जो सुख आत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राही है उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करता, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में प्रेरणा करते हैं। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने जिस योग साध्य रूप समता का वर्णन किया था उसी योग की प्राप्ति के लिए अब आगे के श्लोक से निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण आरंभ करते हैं। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर, पूर्व श्लोक में भगवान ने संपूर्ण कामनाओं का त्याग एवं इंद्रियों का निग्रह करने के निश्चय की बात कही। अब कामनाओं का त्याग और इंद्रियों का निग्रह कैसे करें इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाएं और मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करें। पूर्वोक्त प्रकार से निर्विकल्प स्थिति न हो तो क्या करें इसके लिए आगे के श्लोक में अभ्यास बताते हैं। यह अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करता है वहां वहां से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाएं। 24वें-25वें श्लोक में जिस ध्यान योगी की उपरति का वर्णन किया गया आगे के दो श्लोकों में उसकी अवस्था का वर्णन करते हुए उसके साधन का फल बताते हैं। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। 18वें-23वें श्लोक तक स्वरूप का ध्यान करने वाले जिस सांख्य योगी का वर्णन हुआ है उसके अनुभव का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। भगवान ने 15वें श्लोक में सगुण साकार का ध्यान करने वाले जिस भक्ति योगी का वर्णन किया था उसके अनुभव की बात आगे के श्लोक में कहते हैं। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अब भगवान ध्यान करने वाले सिद्ध भक्ति योगी के लक्षण बताते हैं।
मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है। वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। भक्त सब बर्ताव करते हुए भी मेरे में कैसे बर्ताव करता है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। जिस समता की प्राप्ति सांख्य योग और कर्म योग के द्वारा होती है, उसी समता की प्राप्ति ध्यान योग के द्वारा भी होती है। इसको भगवान ने 10वें श्लोक से 29वें श्लोक तक बताया। अब अर्जुन ध्यान योग से प्राप्त समता को लेकर आगे के 2 श्लोकों में अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूं। जिस चंचलता के कारण अर्जुन अपने मन की दृढ़ स्थिति नहीं देखते, उस चंचलता का आगे के श्लोक में उदाहरण सहित स्पष्ट वर्णन करते हैं। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़, जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन की मान्यता का अनुमोदन करते हुए मन के निग्रह के उपाय बताते हैं। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। पूर्व श्लोक में अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन के निग्रह की बात कहकर अब आगे के श्लोक में भगवान ध्यान योग की प्राप्ति में अन्वयी और व्यतिरेक से अपना मत बताते हैं। जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि जिसका अंतःकरण पूरा वश में नहीं है, अर्थात जो शिथिल प्रयत्न वाला है, उसको योग की प्राप्ति में कठिनता होती है। इस पर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित मना हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। हे महाबाहु, संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? पूर्वोक्त संदेह को दूर करने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। 48वें श्लोक में अर्जुन ने शंका की थी कि संसार से और साधन से च्युत हुए साधक का कहीं पतन तो नहीं हो जाता। उसका समाधान करने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य
दुर्गति को नहीं जाता। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि किसी भी साधक का पतन नहीं होता और वह दुर्गति में नहीं जाता। अब भगवान अर्जुन द्वारा 37वें श्लोक में किए गए प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करते हैं। वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहां शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। पूर्व श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति बताई, अब आगे के श्लोक में अथवा कहकर अपनी ही तरफ से दूसरे योग भ्रष्ट की बात कहते हैं। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है यह संसार में निःसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। पूर्व श्लोक में भगवान ने वैराग्यवान योग भ्रष्ट का तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म होना बताया, अब वहां जन्म होने के बाद क्या होता है यह बात आगे के श्लोक में बताते हैं। हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है, फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाले को पूर्व जन्म कृत बुद्धि संयोग प्राप्त हो जाता है और वह साधन में तत्परता से लग जाता है। अब शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की क्या दशा होती है इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। श्रीमानों के घर में जन्म लेने के बाद जब वह योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ खींचता है तब उसकी क्या दशा होती है यह आगे के श्लोक में बताते हैं। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। योग भ्रष्ट का इस लोक और परलोक में पतन नहीं होता। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। यह जो भगवान ने महिमा कही है यह महिमा भ्रष्ट होने की नहीं है प्रत्युत योग की है। अतः अब आगे के श्लोक में उसी योग की महिमा कहते हैं। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। पूर्व श्लोक में भगवान ने योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी। परंतु कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी आदि में से कौन सा योगी होना चाहिए इसके लिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन भक्ति योगी बने इस उद्देश्य से भक्ति योगी की विशेष महिमा कहते हैं। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। इस प्रकार ओम तत् सत् इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमयी श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में
आत्मसंयम योग नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ।